डेफिनेटली राजनीतिक है। अरे यार, इतनी देर की मुलाकात में क्या संदेश बातें कर रहे हैं? संदेश यही है, सब कुछ ठीक है। सर, क्या यूपीए में शिवसेना शामिल हो रही है? सर, क्या यूपीए का हिस्सा बनेगी? यूपीए में शिवसेना शामिल हो रही है? देखो, राहुल जी से जो बात हुई है वो सबसे पहले मैं मेरे पार्टी चीफ को बताऊंगा, उद्धव जी को बताऊंगा, आदित्य जी को बताऊंगा, बाद में आपसे बात करूंगा। सर, टीएमसी को लेकर कुछ बातचीत हुई? आपसे मुलाकात हुई थी? क्या संदेश आपने उनको दिया? सर, क्योंकि इस तरह की बातें आ रही है कि विपक्ष अब एक नहीं है, विपक्ष में फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी एक बात करती हैं, बाकी राजनीतिक दल दूसरी बात करते हैं, तो क्या इसी सिलसिले में राहुल गांधी से चर्चा हुई कि विपक्ष को एक कैसे रखना है आगे? जी हाँ, इस बारे में जरूर चर्चा हुई है और इस बारे में सबने चर्चा भी करनी चाहिए। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है, लेकिन उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, एक प्रोग्राम भी उनका बन रहा है और मुझे लगता है कि ज्यादा बात करना यहाँ उचित नहीं। मैं उद्धव जी से बात करूंगा, फिर आपको कल बताऊंगा। क्या जॉइंट विपक्ष का कोई और मीटिंग हो सकता है सर, जिसमें तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले? कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। सर, बिना कांग्रेस के आपको लगता है ऑपोजिशन का यूनिटी एक नहीं रह पाएगा? बिना कांग्रेस फलक्रम की तरह हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस के लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज आज भी कांग्रेस के साथ है, तो तीन तीन फ्रंट क्या करेगी अपोजिशन के? पांच राज्यों के जो चुनाव, वो जो बात हुई है वो बात जरूर हुई है, लेकिन हम उससे जो बात हुई है वो हम पहले उद्धव जी के साथ बात करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। राहुल गांधी जी से कल आप मुलाकात कर रहे हैं क्या, और यूपी के राजनीति को लेकर चर्चा होगी क्या? बात सिर्फ यूपी के राजनीति की नहीं है, बात राष्ट्रीय राजनीति की है। आप सर कह रहे हैं कि राहुल ने नेतृत्व करना चाहिए? केंद्र भाई, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि दीदी को होना चाहिए लीडर, तृणमूल कांग्रेस कह रही है तृणमूल मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो राहुल गांधी कैसे लीड करेंगे? राहुल साहब कैसे आज मैटर का काम? मैंने कब कहा कि किसी व्यक्ति का, नेता का नाम मैंने लिया है कि कौन लीड करना चाहिए? मैं इतना ही कहता हूँ कि फ्रंट एक ही होना चाहिए, अपोजिशन का एक ही फ्रंट होना चाहिए। लीडरशिप के बारे में एक साथ बैठकर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर दो दो तीन तीन फ्रंट बन गए, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट, तो ये पर्याय नहीं हो सकता। क्या उस फ्रंट का एक चेहरा तय करना भी जरूरी है? किसी भी पार्टी का एक चेहरा उस फ्रंट का हो? अपने सामने राहुल गांधी ने यही लिखा है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, तो अभी भी उस स्टैंड से कायम है? हम स्टैंड पर कायम है, एक ही फ्रंट बनेगा, एक ही फ्रंट बनना चाहिए, टीएमसी का। और जब एक फ्रंट बनेगा तब ही हम एक समर्थ पर्याय खड़ा कर सकते हैं। राहुल साहब, क्या टीएमसी को और कांग्रेस को साथ लाने के लिए शिवसेना भूमिका निभाएगी? इकट्ठी मीटिंग हो जहां पर आपने देखा होगा, हम सब एक साथ है, एक साथ रहेंगे। क्या शिवसेना ये भूमिका निभाएगी, टीएमसी और कांग्रेस को भी साथ लाया जाए? शिवसेना क्या ये भूमिका निभाएगी कि टीएमसी और कांग्रेस को एक यूनाइटेड फ्रंट के लिए साथ लाया जाए? उनके लिए शरद पवार साहब काफी मजबूत है, बड़े नेता है। राहुल गांधी इस महीने मुंबई में आ रहे हैं, तो मुंबई में उद्धव जी से मुलाकात होगी? अगर उद्धव जी कामकाज शुरू करेगी उस वक्त जरूर मुलाकात होगी।